खुशी नहीं खरीद सकते, पर डेफिनेटली पिज्जा तो आप खरीद ही सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी जिन्हें शायद पिज़्ज़ा उतना पसंद नहीं है, एंड माय इंटेंशन इज फॉर यू गाइस टू फॉल इन लव विद द पिज़्ज़ा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड टू माय न्यू व्लॉग, एंड ऑफ कोर्स स्पेशली अ फूड व्लॉग। मेरा ये वाला जो वीडियो है वो बाकी मेरे वीडियो से काफी डिफरेंट है, एंड हेंस आई वुड रियली लव यू गाइस टू शो ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू मी। जो हुआ है हिट लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑफ कोर्स इफ यू रेजोनेट विद माय हाई वैल्यू एडिंग चैनल, डू नॉट हेसिटेट, हिट द सब्सक्राइब एंड द ऑल नोटिफिकेशन बटन, एंड आई विल इंश्योर कि मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा ले आ रही हूं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ये वाला जो वीडियो है वो बाकी वीडियो से काफी डिफरेंट है। यहाँ पर मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ शिकागो पिज्जा विद डोमिनोज एंड पिज्जा हट पिज्जा, एंड ट्रस्ट मी आई एम गोइंग टू बी अल्टीमेटली ट्रूथफुल आउट ऑफ हियर। मैं कई सारी पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पर अपने व्यूज देने वाली हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोडक्ट रिव्यू ऑफ शिकागो पिज्जा इन कंपैरिजन विद डोमिनोज एंड पिज्जा हट पिज्जा, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ इट। डोमिनोज एंड पिज्जा हट के जो पिज्जा रहे वो हमेशा से ही पायनियर्स रहे, दे हैव सेट अ राइट एग्जांपल एंड हैव बीन इंस्पिरेशन टू मेनी अदर ब्रांड्स एज वेल। चलिए देखते हैं कि शिकागो पिज्जा का क्या कहना है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं काफी सारे पैरामीटर्स के ऊपर बात करने वाली हूँ, सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड क्वालिटी पिज्जा और व्हाट मेक्स अ पिज्जा गुड एंड हाउ टू स्पॉट वन। सो लेट्स बिगिन। तो मैंने ऑर्डर प्लेस किया वाया स्विगी। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर प्लेस किया ऑफ शिकागो पिज्जा। मैंने ऑर्डर किया 1 वेज ओवरलोडेड रेगुलर साइज विद एडेड चीज एंड एलापिनो, और इसका कॉस्ट रहा 329 रुपीज। सेकेंडली मैंने ऑर्डर किया पिज्जा हट का 1 तंदूरी पनीर पर्सनल पैन पिज्जा, जो की था 309 रुपीज का। एंड लास्टली मैंने ऑर्डर किया डोमिनोज पिज्जा, अगेन 1 वेजी पैराडाइज रेगुलर साइज विद एडेड एलापिनो एंड चीज, और ये मुझे मिला 379 रुपीज में। एंड जो टोटल विद टैक्सेस एंड चार्जेस जो मुझे पे करने पड़े, दैट इज 1244 रुपीज। लेट मी टेल यू, आज पुणे में बहुत हैवी रेन्स रहे हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट माय ऑल द 3 पिज्जास गॉट डिलीवर्ड विद इन 30 मिनट्स। हैट्स ऑफ टू द स्टाफ। सो ओवरऑल अगर इन पिज्जा को देखकर मुझे कुछ कहना है तो आई वुड से दैट यस, लुकिंग एट देम ओवरऑल पिज्जा कॉस्ट इफेक्टिव है। ये शिकागो पिज्जा है। सो इसका जो बॉक्स है काफी कलरफुल बॉक्स है। लेट मी जस्ट शो यू व्हाई आई एम सेइंग दैट। सो हियर इट इज। ऐसा लग रहा है मानो कि पूरी होली हो। और इस बॉक्स के साथ आया है अगेन सम हर्ब्स लाइक ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स एंड ऑफ कोर्स अ टोमेटो सॉस। शुरुआत करती हूँ उसके बॉक्स की क्वालिटी से। सो यस, बॉक्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी एयरटाइट नजर आ रहा है, पिज्जा भी हॉट है। सो यस, फुल मार्क्स गोस फॉर द बॉक्स। लेट मी ओपन एंड शो इट टू यू। अब बात करती हूँ साइज एंड पोर्शन की। तो जो साइज मैंने ऑर्डर की है उस हिसाब से इसके जो साइज एंड पोर्शन है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। एंड हियर इट इज। ये पिज्जा भी काफी लाइट एंड क्रिस्प फील हो रहा है, दैट मींस इट डेफिनेटली कंटेन्स एयर, एंड दैट इंडिकेट्स अ गुड क्वालिटी पिज्जा। अब इसका क्रस्ट चेक करते हैं। ओके, मैं पूरा इसे टर्न नहीं कर सकती, बट लुकिंग एट द क्रस्ट इट डेफिनेटली फील्स कि वो बर्न्ड नहीं है, अगेन इट इज प्रॉपरली चार्ड। बॉर्डर्स भी उसके बेटर लग रहे हैं, बहुत ज्यादा थिक नहीं है। अब रही बात इसकी टेस्ट की, तो ये तो अब इसे टेस्ट करने के बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ। टिल नाउ दिस पिज्जा डेफिनेटली लुक्स सो टेम्प्टिंग। अब बात करते हैं डोमिनोज पिज्जा की। तो शुरू करते हैं इसके बॉक्स से। सो जैसे कि आपको साइड में नजर आ रहा होगा, बॉक्स हल्का सा ओपन्ड है, ऑल्दो द पिज्जा इज हॉट। मैं बॉक्स के लिए उसे फुल मार्क्स तो डेफिनेटली नहीं दूंगी, एंड ऑफ कोर्स साथ में उसके आए हैं सीजनिंग्स। अब इसे ओपन करके देखते हैं। वाओ, डेफिनेटली कलरफुल। तीनों ही जो पिज्जास हैं वो तीनों कितने वेजीज एंड ओवरलोडेड हैं। स्टफिंग्स, यस, डेफिनेटली लुक्स ओवरलोडेड एंड रीजनेबल। वेजीज भी फ्रेश लग रहे हैं, चीज भी चार्ड लग रहा है एंड नॉट एट ऑल बर्न्ड। साइज एंड पोर्शन इज अप्रोप्रिएट। नाउ
दिस पोर्शन और पिज्जा आई वुड से डेफिनेटली गोज टू अ बिट ऑन द हेवियर साइड. इसे टोटली मैं लाइट या तो क्रिस्प नहीं कहूंगी, बट यस इट डज लुक्स फ्रेश. अब चेक करते हैं उसका बेस. सो बेस ऑल्सो लुक्स फाइन. वो चार्ड है, बर्नट नहीं है. बॉर्डर्स भी उसके फाइन है, नॉट टू थिक. और अब रही बात टेस्ट की, तो डेफिनेटली वो उसे मैं टेस्ट करने के बाद ही आपको बता सकती हूँ. दिस पिज्जा टू डेफिनेटली लुक्स टेम्प्टिंग एंड सो मच माउथ वाटरिंग. वक्त आ गया है पिज्जा हट का. इवन दो द बॉक्स रियली लुक्स स्टर्डी, आई वुड स्टिल नॉट गिव इट फुल मार्क्स बिकॉज इसके जो साइड्स हैं आपको नजर आ रहा होगा ये अगेन ओपन है. सो मैं इसे एयर टाइट तो नहीं कहूंगी. यस ऑल्दो इवन दिस इज हॉट, बट द बॉक्स इज नॉट एन एयर टाइट वन. चलिए अब इसे ओपन करके देखते हैं. एंड बाय द वे बिफोर वी ओपन अगेन देयर आर सीजनिंग्स एंड हियर वी गो. वाओ कलरफुल अगेन. सो तीनों के तीनों जो पिज्जास थे इन्हें कलर्स के मामले में एंड फ्रेशनेस के मामले में आई विल गिव फोर मार्क्स फॉर श्योर. टॉपिंग्स अगेन इनफ है. जो चीज है वो प्रॉपरली चार्ड है, इट इज नॉट बर्न्ड. वेजीज फ्रेश है. साइज एंड पोर्शन अगेन जो मैंने ऑर्डर किया है उस हिसाब से बिल्कुल सही है. नॉट टू मच नॉट टू लेस. दिस पिज्जा डेफिनेटली फील्स लाइट एज वेल. आई एम श्योर कि ये क्रिस्प भी होगा. सो अगेन अ गुड क्वालिटी पिज्जा. बट तीनों में डेफिनेटली शिकागो पिज्जा जो था वो सबसे ज्यादा लाइट वेट का था. द बेस इज अगेन चार्ड, इट इज नॉट बर्न्ड. और इसके जो बॉर्डर्स है वो मुझे थोड़े से थिक लग रहे हैं. एंड समहाउ पिज्जा हट के पिज्जा को जब भी मैंने खाया आई डोंट नो वाई, मतलब कहीं ना कहीं मुझे एसिडिटी की हमेशा तकलीफ रही, जो कि मुझे डोमिनोज या तो शिकागो पिज्जा में कभी वो कंप्लेन नहीं आई. अब रही बात इसकी टेस्टिंग की, तो डेफिनेटली ये टेस्ट करने के बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ. एज ऑफ नाउ दिस पिज्जा टू लुक्स सो डिलेक्टेबल एंड आई रियली कांट वेट टू हैव माय हैंड्स ऑन ऑल थ्री ऑफ देम. What a day. I really do not need love. What I need is a pizza. It is the best love triangle ever. So, chaliye ab tasting start karte hain. To main shuru karungi Chicago pizza se. Here we go. With a colorful box. It's really nice. Fresh. कॉर्न का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. सो जूसी एंड एलापिनो. वाओ यस एंड द चीज ऑफ कोर्स, इट्स सो मच डिवाइन. मुझे उसको बेस में जो सॉस है आई रियली लाइक दैट सॉस. उसमें से एक हल्का सा एक टैंगी काइंड ऑफ फ्लेवर है और साथ में जो वो ऑलिव्स के साथ जो वो फ्लेवर मिक्स होता है तो इट्स लाइक डिवाइन, जैसे कि मैंने कहा. सो डेफिनेटली गाइस दिस पर्टिकुलर पिज्जा इज अ मस्ट ट्राई. नाउ टाइम फॉर डोमिनोज. मैं लेने वाली हूँ सबसे हैवी पीस विद द हैवीएस्ट वेजीज. वेजीज एंड ऑफ फ्रेश है. चीज इज ऑल्सो लाइक रियली ऑसम. बट जो सॉस है जो मैंने देखा, जो फील किया कि जो बेस में लगा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉस जरा थोड़ा सा ज़्यादा है. ये थोड़ा सा अगर कम होता तो शायद इसका जो बैलेंस होता फ्लेवर्स का वो परफेक्ट होता. बट अदरवाइज ओवरऑल अ गुड पिज्जा. नाउ टाइम फॉर द लास्ट पिज्जा, दैट इज पिज्जा हट. गाइस आई एम सीरियसली लकी टुडे. हियर वी गो. पनीर इज फ्रेश एंड पनीर ही है जो सबसे ज्यादा टेस्ट ला रहा है इस पिज्जा में. वेजीज आर फ्रेश ऑफ कोर्स. सॉस भी परफेक्ट है. बट यस एक चीज से जो डिसअपॉइंट हूँ वो ब्रेड की क्वालिटी से. बट यस द नंबर वन अगर मुझे किसी को देना है तो आई वुड से दैट शिकागो पिज्जा आउट ऑफ दीज थ्री स्टैंड्स ऑन नंबर वन, फॉलोड बाय डोमिनोज एंड लास्टली बाय पिज्जा. आज का ये जब मैं व्लॉग बना रही थी तो आई हैड फेल्ट डिवाइन, टेम्प्टिंग, डिलीशियस एंड आई एम श्योर कि आपको भी ये चीज डेफिनेटली फील होगी. सो डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक ऑफ माय वीडियो. खुशी हमेशा बांटने से बढ़ती. नाउ इट्स द प्रेशियस फैमिली टाइम. तो मैं जा रही हूँ अपने फैमिली के साथ शेयर करने अपने पिज्जा. एंड यू गाइस टू कैन कीप ऑन फॉलोइंग मी फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस. हमें तो पिज्जा ने लूटा, बर्गर में क्या दम था. जहाँ भूख हमारी मिटी वहाँ तो स्वाद में ही दम था.